डीपीआर को, बुला उसको डीपीआर को, बुला क्या मैं निरीक्षण करने आया हूँ तुम्हारा। इंडिया के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शिरकत करेंगे, आएंगे। अभी शर्मिंदगी की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस किस्म की छोटी सोच रखता है। कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो उनका फैसला है। दो चीज़ों को बहुत बदनाम किया गया, बजरंग दल को, गोरक्षक को। ना तो कोई बजरंग दल का व्यक्ति था इसमें, ना कोई गोरक्षक थे, आरएसएस के गुंडे थे। आज 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस, उसको सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल अलग अलग जिलों में मनाया जाता है। एक साल आपके रिवाड़ी में भी मनाया था, आपको पता होगा जी। इस बार कैथल में मना रहे हैं और लाखों लोग उसमें शामिल होंगे। आपको भी निमंत्रण देने हैं कि आप भी आना, जहाँ मैं अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाऊंगा वहाँ आपसे भी निवेदन है कि आप भी 25 तारीख को जरूर उसमें आए। उस दिन एक नया मैसेज पूरे देश में जाएगा। इंडिया के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शिरकत करेंगे, आएंगे। 80% से ज़्यादा लोगों को जिनको हमने इनवाइट किया है उनकी कंसेंट आ गई, और बाकी अभी टाइम है हमारे पास है। मुझे उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी, 14-15 बड़े नेता उसमें आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। लाखों लोग इस बात का मैसेज देंगे कि जहाँ हरियाणा में परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से प्रदेश में सत्ता में लेकर के आएंगे, वहीं देश में बदलाव आए, इसलिए उन नेताओं से भी वो एक तरह से संदेश देंगे कि आपको भी इकट्ठे होकर के इस संगठन को और मजबूत बना करके देश में बदलाव लाने के लिए इस तरह की रैलियां पूरे देश में की जाए, ताकि आम नागरिक जो है वो फिर इसके साथ जुड़े और बदलाव आए। मुझे हरियाणा के लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि मेरी पद यात्रा के दौरान जो मैंने देखा और समझा, आज लोग इस सरकार से बहुत दुखी और परेशान हैं। मुख्यमंत्री के व्यवहार से खास तौर पे आज लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जहाँ कहीं भी जन स्वाद कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ लोगों को बेइज्जत करते हैं, और खास करके महिलाएं जब उनसे कोई बात करती है तो महिलाओं के साथ मजाक करते हैं, महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस किस्म की छोटी सोच रखता है। मुख्यमंत्री को आज तक जितनी भी महिलाओं से दुर्व्यवहार किया उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले दिनों हिसार के अंदर आया था और एक लेडी ने उनके सामने ये बात रखी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री लगाओ। तो उसको कहता है चंद्रयान 4 जो भेजेंगे उसमें आपको चंद्रमा पे भेज देंगे। और जब उन्होंने इस बात को लेकर के अपना विरोध जताया तो उनको वहाँ से उस जन स्वाद कार्यक्रम से पुलिस को कह करके बाहर कर दिया। और जब इस सोशल मीडिया पे सारी बात चली तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने अपने एमएलए को भेजा और एमएलए उसके घर गया, घर जा कर के उससे फ़ोन पे बात कराई, उसको भी फिर आगे से जो भाषा यूज़ की गई उससे भी ज़्यादा अभद्र थी। ये कहा मुख्यमंत्री ने कि मैंने तो छोटी बहन समझ करके मजाक किया। हमारे मुख्यमंत्री को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि हमारे प्रदेश के अंदर बहनों के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। या तो साड़ी से मजाक करते हैं और या भाभी से मजाक करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फिर जो है किस तरह से एक बेटी को अपमानित करने का काम कर।
इसलिए जिस किस्म का इसका व्यवहार है, लोगों ने फैसला कर रखा है कि अब तिवारी इनको सबक नहीं है। आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग में भी आप आओ एक बार प्लीज सारे, और जहाँ मीटिंग को कवर करो वहाँ 25 तारीख को आप सब आए। सर 25 सितंबर एक बड़ा मैसेज देने का दिन होता है, तमाम इस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित होते हैं, इंडिया के तमाम नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कांग्रेस को भी नेता न्योता दिया गया, क्या कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे? इस बारे में कल विचार विमर्श करेंगे। कल मैं गुड़गांव में हूँ, पार्टी के साथियों को कल बुलाया है। हमें कांग्रेस को भी निमंत्रण देने में परहेज नहीं है। अब कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी ये तो उनका फैसला है। चौधरी देवीलाल किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो तो संस्था थे, राजनीति के किसानों के मसीहा कहे गए थे। और चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पे किसी को भी आने में परहेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। मुझे ये बात हर जगह पत्रकार साथियों ने पूछी है, हम जरूर इस बात पे विचार विमर्श करेंगे कि कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया जाए। जब इंडिया को हम निमंत्रण दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं देंगे? अब वो कांग्रेस फैसला करेगी कौन आएगा। हम तो अच्छा चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैंने निमंत्रण दिया है और उन्होंने मेरे आगे इस बात के लिए हाँ भरी है कि मैं जरूर आऊँगा। भाजपा कोड है जिसने पूरे देश को खत्म कर दिया, हरियाणा प्रदेश का हर आदमी हर तराई तराई कर रहा है, आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी मेरे ख्याल बीजेपी से परेशान हैं। सर 25 सितंबर क्या मैसेज दिया जाएगा इंडिया के तमाम कौन कौन नेता शामिल होने वाले, हम नाम भी जानना चाहते हैं, लोग भी पता लग सके, और क्या मैसेज दिया जाएगा, क्या इंडिया का हिस्सा आप भी रहेंगे? क्योंकि नीतीश जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सतपाल मलिक साहब आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे और सीताराम येचुरी आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएंगे, और भी कुछ नेता हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है। तो क्या इनेलो इंडिया के साथ चल के चुनाव में आगे? इंडिया की स्थापना कहाँ से हुई? फतेहाबाद से हुई थी। फतेहाबाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नीतीश जी से कहा था कि एक ऐसा संगठन बनाओ जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सके। हम पहले दिन से इस पक्ष में थे कि इस किस्म का एक गठबंधन बने, इस किस्म का एक मोर्चा बने। जब हम ये बात कहते थे तो बहुत सारे हमारे विरोधी इस पर कटाक्ष करते थे कि क्या होगा। अब उन विरोधियों के होश उड़े हुए हैं, उनकी नींद खराब हो चुकी है। अब उनको दिखाई देने लग गया कि चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सपना पूरा हो गया। तीन लोगों की तीन स्टेटमेंट है, इसीलिए उस इशू के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट तो ये है कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। अगर षड्यंत्र है, षड्यंत्र था, तो फिर मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए थे, उसकी एजेंसियाँ कहाँ थी? जब एक इंस्पेक्टर ने एक महीना पहले उनको ये बता दिया था कि अब की बार यात्रा जब निकलेगी तो हालात खराब हो सकते हैं, इसको काबू करना सरकार का काम था, काबू क्यों नहीं किया? उसके बाद अनिल विज से जब आप जैसे साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री जवाब देगा, मेरी जानकारी में नहीं है। होम मिनिस्टर को अगर कोई इस तरह की वारदात प्रदेश में हो जाए और उसको जानकारी नहीं है तो उसे भी एक मिनट पद पर नहीं रहने का अधिकार नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मुझे तो सुबह से ही पता था, तो फिर सुबह से पता था तो फिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कौन सी जिम्मेवारी नहीं होती? सरकार में तीन लोग जो अहम पदों पर, उन तीनों के अलग अलग बयान हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि सरकार में बैठे लोग ही इस षड्यंत्र में शामिल है। इसीलिए तो विधानसभा में चर्चा नहीं कराई। ये विधानसभा में चर्चा कराने में दिक्कत क्या थी? अगर कोई और षड्यंत्र करने वाला है तो उसका नाम मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।
पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग इस बात को जानने की इच्छुक थे। और जो कोई षड्यंत्रकारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उनके नाम बताओ और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इसमें दो चीज़ों को बहुत बदनाम किया गया, बजरंग दल को, गोरक्षक को। ना तो कोई बजरंग दल का व्यक्ति था इसमें, ना कोई गोरक्षक थे, आरएसएस के गुंडे थे, पेड लोग थे जिन्होंने जा करके ये सारे काम किए। इसीलिए सरकार भाग रही है, सामने क्यों नहीं आ रही। आज भी वो जो माणेसर क्या है, मोनू माणेसर, आज तक भी गिरफ्तार नहीं है। इतना कितना बड़ा आदमी है कि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों गिरफ्तार नहीं है, उसको किस बात की आप सपोर्ट कर रहे हो? जो हालात खराब करता है, जो इस किस्म के बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और नहीं कर रहे, ये जानबूझ करके प्रदेश के हालात खराब करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर प्रदेश में इनेलो की अगली सरकार बनती है तो क्या इस मामले में सच सामने आएगा जनता के? हर हालत में हम बहुत निष्पक्ष हैं इन चीज़ों में, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी कोई दोषी होगा उसको बख्शेंगे। तो डॉक्टर साहब, इंडिया शब्द को भारत के नाम से जाने जाने लगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? संविधान कैसे बदला जा सकता है? इस प्रधानमंत्री ने समय में ये बात कही थी, मैं मेक इन इंडिया बनाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? तो फिर ये कैसे नाम बदल सकते हैं? ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करते हैं भाजपा के लिए, ताकि एक चर्चा का नया विषय बन जाए। एक नया विषय बनाना चाहते हैं इंडिया और भारत के बीच। इंडिया को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से नहीं। हम भारत के नाम से भी जानते हैं, हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस किस्म की बातें कह करके आप देश में भ्रम पैदा नहीं कर सकते, नहीं भ्रम पैदा होगा। आप इंडियन कहलाना, भारतवासी कहलाना, हिंदुस्तानी कहलाना, तीनों में से कौन सा पसंद करोगे? हर नागरिक कहता है मैं इंडियन हूँ, हर नागरिक कहता है मैं भारतवासी हूँ, हर नागरिक कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमें गर्व होना चाहिए इन चीज़ों पे, ना कि ऐसी चीज़ों पे विवाद खड़ा करना चाहिए। बीजेपी, जेजेपी का भविष्य क्या देखते हैं? क्या गठबंधन या टीका रहेगा, क्या देखते हैं आपका एक लंबा अनुभव है तमाम लोगों के बीच में रहने लंबे समय से, एक मैसेज भी मिला हुआ? जेजेपी का भविष्य तो आपको स्वयं दिखाई नहीं देता, हमारी इस परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा छोड़ राजस्थान का रुख कर लिया उन्होंने। जो कोई वोटर था जो हमारी पार्टी से टूट करके किसी गलतफहमी की वजह से इनके साथ गया, वो आज वापस आ गया हमारे साथ। अब तो कुछ स्वार्थी चंद लोग हैं, अब उनको अगर यहाँ अपना कोई भविष्य नज़र आता तो चुनावी तो यहाँ है, अब तो यहाँ भागदौड़ ज़्यादा करते। मुख्यमंत्री के, मैंने बताया कि बीजेपी को 10 सीट भी नहीं आ सकती, ये 00 में रहेंगे। लेकर क्या कहेंगे मीडिया सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे? सरकार का इससे ज़्यादा बड़ा दिवाड़ा नहीं पीट सकता कि जो सेंटर मीडिया के लोगों के लिए बनाया गया और उस सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी बात रख सकता है। मुझे अभी DPR मिला बाहर, और DPR कह रहा था जी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, आप प्रेस के लोगों से बात नहीं कर सकते, उसके बाप की बेपोती है, सरकारी प्रॉपर्टी है। और हम इस सरकार से एक विधायक के नाते मैं हर चीज़ की जानकारी ले सकता, ये तो मीडिया सेंटर में DC के ऑफिस का भी निरीक्षण कर सकता हूँ। जो आपका एक MLA का जो प्रोटोकॉल रखा गया है वो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। इस DPR को बजाय मुझे इसमें अंदर आने से रोकने के, उसकी और जिम्मेवारी बनती थी उसको निभाना चाहिए था। मैं इसके बारे में लिखूंगा, स्पीकर को भी लिखूंगा और मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। अधिकारों का आनंद नहीं, नहीं, कौन होता है ये रोकने वाला? इसका काम मेरा वेलकम करना था, इसका काम मुझे रोकना नहीं था।
इसको इस बात की समझ नहीं है कि तू किस चीज़ की तनख्वाह लेता है। तुझे जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई है। ये तो आप देखना, आप लोगों के सामने किस तरह की सफाई देगा कल, जब इसको विधानसभा में तलब किया जाएगा तब इसको पता होगा, इसको एहसास होगा कि नौकरी क्या होती है।